शालोम शालोम शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु परमेश्वर ने हमको आज का रविवार का दिन दिया। और इस रविवार के दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु महान है और सामर्थ्य और कभी ना बदलने वाला है। और वो आज उसका पुनरुत्थान का दिन है और इस पुनरुत्थान के दिन के लिए हालेलुया आपको बहुत बहुत बधाई हो। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, प्रभु यीशु मसीह आज जीवित परमेश्वर है और इसलिए आज हालेलुया वी आर मोर देन विक्टोरियस। आज हम जो है जयवंत से भी बढ़कर बन चुके हैं और इसलिए बड़ा सुंदर लगता है कि आज हम प्रभु परमेश्वर के हालेलुया इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और आप लोग सब शामिल हुए हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज ज़रूर आपको प्रभु आशीषित करेगा, आज ज़रूर आपको प्रभु तृप्त करेगा। तो आइए इस सभा को शुरुआत करते हैं, सिस्टर जॉली के रूप में प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। हे हमारे जीवन सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू हमारा सच्चा परमेश्वर है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, सारी सृष्टि को तूने बनाया प्रभु जी, सारी सृष्टि की तूने रचना की प्यारे ईश्वर राजा, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हे पुत्र, हे पवित्र आत्मा, हे त्रिएक परमेश्वर, तेरी आराधना करते हैं। आज के सुंदर पवित्र दिन के लिए, इस विश्राम दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज का दिन तूने प्रभु पवित्र ठहराया, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तेरे पुनरुत्थान के लिए आज हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज जय का दिन है, इसलिए हम मनाते हैं प्यारे यीशु, जय उत्सव मनाते हैं, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है। ओ हालेलुया हालेलुया। आज हर एक भाई बहन को बहुत आशीष दे प्रभु, जो सभा में जुड़ते हैं प्रभु जी। ओ जीवित यीशु, एक एक के जीवन में चिन्ह चमत्कार, चंगाइयाँ, छुटकारे का आश्चर्य का उद्धार होने दे प्यारे प्रभु जी। एक एक की समस्या यीशु नाम से दूर हो जाए हालेलुया, चंगाइयाँ उन्हें मिले हालेलुया। एक एक भाई एक एक बहन को बहुत आशीष दे। आज के गीतों के द्वारा और प्रभु प्रार्थना के द्वारा, वचन की मनादी के द्वारा यीशु मसीह तुझे महिमा मिले। सारी बातों को यीशु के हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल कर पिता, आमेन 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 आमेन। तो आइए हम प्रभु के लिए गीत गाएंगे, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं। तो इतना सुंदर गीत है ये और मैं चाहूँगा कि हम सब लोग इस गीत को गाएं। मेरा बहुत फेवरेट गीत है ये, जब भी मैं विजिटिंग के लिए जाता हूँ तो मुझे ये गीत गाना बहुत पसंद होता है हालेलुया, क्योंकि इसमें पूरा गॉस्पल है हालेलुया। शैतान की हार और यीशु की विजय इस गाने में लिखी है हालेलुया। तो आइए हम प्रभु परमेश्वर की आराधना करेंगे और इस गीत को शुरुआत कर रहे हैं। ओ जीसस, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह, मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं,
खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए काड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए काड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। धन्यवाद ओ प्रभु जी, यीशु की स्तुति, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लॉर्ड वी ब्लेस योर नेम ओ जीसस। यीशु की जय हो। मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह। हालेलुया। अगला गीत गाते हैं हम, गाकर स्तुति प्रभु यीशु की, आनंद के साथ नाचे गाए हम। हालेलुया, थैंक यू जीसस, जीसस लॉर्ड वी ब्लेस, थैंक यू लॉर्ड। गाकर स्तुति प्रभु यीशु की, आनंद के साथ नाचे गाए हम। गाकर स्तुति प्रभु यीशु की, आनंद के साथ नाचे गाए। गाकर स्तुति प्रभु यीशु की, आनंद के साथ नाचे गाए। गाकर स्तुति प्रभु यीशु की, साथ नाचे गाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का प्रेम कितना महान, मेरे पापों के लिए किया बलिदान। प्रभु यीशु का प्रेम कितना महान, मेरे पापों के लिए किया बलिदान। यीशु का प्रेम कितना महान, मेरे पापों के लिए किया बलिदान। यीशु का प्रेम कितना महान, मेरे पापों के लिए किया बलिदान। हालेलुया 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 प्रभु हालेलुया। यीशु का लहू, यीशु का लहू कितना महान, पापों के बंधन से छुड़ाता। ओ प्रभु यीशु का लहू कितना महान, पापों के बंधन से छुड़ाता। ओ प्रभु यीशु का लहू कितना महान, पापों के बंधन से छुड़ाता। प्रभु यीशु का लहू कितना महान, पापों के बंधन से छुड़ाता। बोलो बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। ओ बोलो हालेलुया धन्यवाद। ताकत यीशु की, ताकत कितनी महान,
शैतानी ताकत को हराती है। प्रभु यीशु की ताकत कितनी महान, शैतानी ताकत को हराती है। प्रभु यीशु की ताकत कितनी महान, शैतानी ताकत को हराती है। प्रभु यीशु की ताकत कितनी महान, शैतानी ताकत को है। ओ बोलो यीशु का नाम कितना महान, छुटकारा चंगाई देता है। यीशु का नाम कितना महान, छुटकारा चंगाई देता है। ओ प्रभु यीशु का नाम कितना महान, छुटकारा चंगाई देता है। ओ प्रभु यीशु का नाम कितना महान, छुटकारा चंगाई दे। बोलो बोलो हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद यीशु राजा, तेरी महिमा हो। यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय। यीशु आज हम अपने आप को तेरे सामने चढ़ाते हैं प्रभु, अपने आप को प्रभु तेरे सामने प्रभु पेश करते हैं। ओ प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु हमारा समर्पण तुझे ग्रहण योग्य हो। थैंक यू जीसस। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। खुद को चढ़ा दे तो जाए तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी, क्रूस उठाने से भावना बदल जाएगी। रखने पर शांति भी मिल जाएगी, धीरज रखने पर शांति भी मिल जाएगी। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। नाम और आदर मां यीशु नाम के लिए, नाम और आदर यीशु नाम के लिए, उस
रे दिन और नम्र बने उसकी महिमा करे दिन और नम्र बने हो खुद को चढ़ा दे तू सेवा कर पाएंगे खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे ओहो खुद को चढ़ा दे तू सेवा कर पाएंगे खुद मर जाए से जी पाएंगे कल की चिंता में व्याकुल हो बेटे कल की चिंता में व्याकुल हो बेटे अब तक संभाला है ओ आगे संभाले हो अब तक संभाला है ओ आगे संभाले बोलो खुद को चढ़ा दे परमेश्वर आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि प्रभु तूने हमको जिंदा रखा इस दिन तक प्रभु तूने हमें जिंदा रखा प्रभु 8 अगस्त तक तूने हमको जिंदा रखा और प्रभु परमेश्वर तूने हमें चलाया प्रभु जी कितनी महामारियों से तू हमें लेके आया
अब तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। हमारा प्रभु आगे तक संभालने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमने अपने आप को चढ़ा दिया है प्रभु जी, और इसलिए प्रभु परमेश्वर पिता आज कलवरी चर्च के हर एक सदस्य को आशीषित कर, हर एक दर्शक जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे प्रभु, अपने आशीषें उनके ऊपर उंडेल दे प्रभु जी, और सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अग्नि हर एक के ऊपर बरसा दे प्रभु, और कोई भी व्यक्ति भी दुखी रहने ना पाए प्रभु। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर, खास करके उनके लिए जो बीमार है, आज यीशु के नाम से उनको चंगाई मिल जाए। कोई भी बीमारी प्रभु हमारे जीवन में राज्य करने ना पाए। तूने प्रभु ज्वर को डांटा और ज्वर चला गया। हे प्रभु जी, तू बीमारी को डांट सकता है और तू डांटता है। आज हम यीशु के नाम से उन सारी बीमारी को डांटते हैं, आज्ञा देते कि वो दूर हो जा। अरे प्रभु तेरी पवित्र आत्मा मंडलाने दे, प्रभु तेरा पवित्र अभिषेक उतराने दे, एक एक जन को आज चंगाई मिलने दे प्रभु जी। आज रविवार के दिन में प्रभु तेरा अभिषेक हर एक व्यक्ति के ऊपर उतर आए प्रभु। आज हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दे प्रभु जी, यीशु के नाम से सारे बंधनों को तोड़ दे प्रभु जी। प्रभु चमत्कार करने वाला तू है। बहुत बार हम निराश हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हम कभी निराश ना हो, क्योंकि तू प्रभु काम देने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू काम देगा। वो प्रभु उनके बॉस उनको बुलाए अपने अपने ऑफिस में, फिर से बुलाए प्रभु जी, जिन्होंने अपने काम को खोया है प्रभु, उनको दूसरी जगह पे अच्छी से अच्छी नौकरी दे। यीशु के नाम से मांग रहे प्रभु। जिन बच्चों की शादी नहीं हुई और वो शादी का इंतजार कर रहे हैं, अपने जीवन साथी का इंतजार कर रहे हैं, जोड़े तो तू बनाता है प्रभु। हे प्रभु जी, उनकी शादी होने दे और तेरी महिमा उनके जीवन के द्वारा हो। अपने प्रभु शादी के द्वारा वो तेरी महिमा करे प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर पिता। बहुत सारे बाढ़ग्रस्त इलाके में प्रभु उन्होंने अपने घर को खोया है, अपने प्रियों को खोया है, बहुत बहुत कुछ खोया है प्रभु। इस बाढ़ के स्थिति में प्रभु जी, हमारा भारत देश में प्रभु जी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पता नहीं कहाँ कहाँ प्रभु जी, ओ प्रभु परमेश्वर पिता, ओ यूपी और प्रभु पता नहीं कहाँ कहाँ प्रभु परमेश्वर पिता, ओ प्रभु जी और प्रभु यहाँ तक कि चाइना में और अलग अलग देशों में, यूरोप में बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है प्रभु। लोगों ने प्रभु बहुत कुछ खोया है। हे प्रभु जी, कृपा करके उनका घर फिर से बसा और वे तेरी आराधना करे ऐसा होने दे। हे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक आज हर एक जन के ऊपर उतरने दे। हमारे भारत में प्रभु कोई भी बाढ़ नहीं चाहिए प्रभु जी। हे प्रभु, तू कार्य कर, बारिश की अतिवृष्टि ना हो प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही है प्रभु जी। हे प्रभु, तू क्रोधित है हम जान सकते पिता प्रभु, हमारे पापों की क्षमा कर प्रभु। तेरा क्रोध हम पर ना हो प्रभु जी, अपने क्रोध से हमें बचा ले प्रभु जी, ये हम तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, अंतर्यामी, सारी जगह पे मौजूद रहने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। अरे प्रभु जी, आज इन सारे सदस्यों को तू आशीषित कर, जितने सारे आज दर्शक देख रहे उनको आशीषित कर और तेरी महिमा होने दे प्रभु। सारे बंधनों को तोड़ दे, तू ऊंचा किया जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमेन आमेन। रविवार की सभा प्रियो, और एक गीत गाया हमने, धन संचय ना करो, चोरी हो जाएगा, दे दो प्रभु के लिए, पूरा हो जाएगा। हाँ, तो जिन्होंने प्रभु को दिया है, हालेलुया, और जो प्रभु को दे रहे हैं, आपकी भेंट प्रभु को कबूल हो। जैसे हालेलुया कर्नेलियुस के बारे में कहा गया कि तेरे दान और तेरी प्रार्थना प्रभु के सामने स्मरण के लिए पहुंच गए हैं। तो प्रभु करे कि आपके दान और आपकी प्रार्थना प्रभु के सामने स्मरण के लिए पहुंचाई जाए। तो आइए हम ऑफरिंग के लिए भी प्रार्थना करेंगे। सिस्टर जॉली हमारे बीच में, और वो प्रार्थना में अगुवाई करे कि परमेश्वर इस ऑफरिंग को अपने आशीषों से भर दे। आइए हम एक बार फिर से प्रभु के चरणों में आएंगे और प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय जीवित परमेश्वर, हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते हैं।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सभा के लिए और विशेष रीति से सुंदर सौभाग्य के लिए कि हम प्रभु अपनी कमाई में से दशवांश तुझे चढ़ा सकते हैं। प्रभु प्रभु हम अपना जीवन तुझे चढ़ाते हैं और सिर्फ अपना जीवन ही नहीं लेकिन अपना तन मन धन तुझे चढ़ाते हैं और अपने धन में से प्रभु हम प्रभु पहली भेंट तुझे ला के देना चाहते हैं। प्रभु जी हालेलुया, हम में से हर एक की प्रभु कमाई का ये दशवांश तुझे ग्रहण योग्य हो प्रभु यीशु राजा। हालेलुया प्रभु, तेरे सारे वायदे जो तूने अपने वचन में लिखे हैं प्रभु वो प्रभु पूरे किए जाएं। जितने भाई बहन अपना हाथ बढ़ाते हैं प्रभु जी हालेलुया और तुझे प्रतिष्ठित करते हैं अपने प्रभु धन के द्वारा अपने तन मन के द्वारा प्रभु उन सबको बहुत आशीष दे प्यारे यीशु राजा। हालेलुया, जिनका विश्वास प्रभु अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए तुझ पे नहीं है प्रभु उनका विश्वास तू बढ़ा। उन्हें लगता है कि उनकी तनख्वाह कम है और वो नहीं दे सकते लेकिन प्रभु तू कहता है कि सारे भंडार हालेलुया ओ प्रभु तू सारे दशवांश भंडार में लाओ और देखो हालेलुया कि मैं अपरंपार आशीष की वर्षा तुम पर करता हूँ कि नहीं। प्रभु तू हमें प्रभु बताता है प्रभु जी और जिसलिए विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक भाई बहन का विश्वास बढ़ा ताकि वो अपने फाइनेंशियल प्रभु जी अपने इस प्रभु आर्थिक स्थिति में भी एक बड़े प्रभु ब्रेक थ्रू को देख सकें प्यारे ईश्वर राजा। आशीष दे हर एक हाथ को, आशीष दे उनके हाथ की कमाई को, आशीष दे उनके हाथ के कामों को, आशीष दे जिस काम में वो हाथ लगाएंगे वो फलवंत हो आशीषित हो प्रभु जी, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आज हर एक भाई बहन को कलवी चर्च के हर एक सदस्यों को तेरे लहू में ढांपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे जलाली नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज का सुंदर वचन, आइए हम प्रभु के वचन को देखें और प्रभु परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए आशीष का कारण ठहरेगा। हालेलुया, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर पिता जो है कुछ जो है काम देता है और प्रभु परमेश्वर जो है वो कहता है कि क्या करो तुम जो है अभी हमने गाना गाया ना, खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे, खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। आज हमें खुद को चढ़ाना है। बाइबल हमेशा इस बात को दिखाती है कि हमें चढ़ाना है और क्या क्या चढ़ाना है, हमारी ऑफरिंग क्या होनी चाहिए। आज वैसे ही संडे का दिन है, सिस्टर जॉली ने बहुत अच्छी प्रार्थना करी है ऑफरिंग के लिए और हमें आज हम देखेंगे क्या क्या चीजें हम चढ़ा सकते हैं प्रभु को। बहुत सुंदर वचन है आज का और आप आशीषित होंगे। बाइबल में लिखा है निर्गमन उसका 20 अध्याय के 24 वचन में, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना, जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। वाओ, तो प्रभु कहता है कि मेरे लिए एक मिट्टी की वेदी बनाना और तुम उसके ऊपर चढ़ाना, मेल बलि, गाय बैल, होम बलि, भेड़ बकरियां, ये सब कुछ जो है वो चढ़ाना, जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। और यहां पे लिखा है कि तुम वेदी बनाना, तो प्रभु परमेश्वर हमेशा चाहता है कि जैसे वो हमको आशीष देता है और उसका ये बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण गुण है कि वो ये कहता है कि तुम चढ़ाना। और पुराने जमाने में, पुराने नियम में जैसे वो भेड़ बकरियां या गाय बैल चढ़ाता थे वो लोग, अभी वो होम बलि मेल बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज नए नियम के अनुसार हमें क्या चढ़ाना चाहिए ये हम देखेंगे। नए नियम के अनुसार हमें क्या चढ़ाना चाहिए वो देखेंगे। जैसे पुराने नियम में हमेशा जो है प्रभु बहुत बताता था कि तुझे चढ़ाना होगा और नित्य चढ़ाना होगा। निर्गमन 29 अध्याय का 38वां वचन, जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वो ये है। हाँ, तो जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा,
तो प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम उसको प्यार करें। प्रभु परमेश्वर की इच्छा थी कि वो प्यार करे, मनुष्य परमेश्वर को प्यार करे। और इसलिए तुझे क्या क्या चीजें नित्य चढ़ानी होगी, तो वो कौन सी चीजें नित्य चढ़ानी होगी उसके बारे में प्रभु कहता है। और प्रभु परमेश्वर की बहुत ये मनोकामना थी, इच्छा थी कि इज़राइल लोग उसके लिए कुछ चढ़ाए, ताकि इज़राइल लोग समझ सके कि हम प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, इसलिए हम प्रभु को चढ़ाते हैं। वहीं पे गिनती उसका 29 अध्याय और उसके दूसरे वचन में, तुम होम बलि चढ़ाना जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। तो यहाँ पे लिखा है तुम होम बलि चढ़ाना, पाप बलि चढ़ाना, मेल बलि चढ़ाना, अन्न बलि चढ़ाना, ये बहुत सारे बलि 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 चढ़ाने के लिए इज़राइल लोगों को परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी। और ये पाप बलि, मेल बलि, होम बलि, अन्न बलि और ये सारे बलि बलियां जो है उसके बारे में जो है एक स्टडी मैंने पिछले दिनों में लिया था, अगर आपको याद हो। तो प्रभु कहता कि जब तुम ये होम बलि चढ़ाते हो यहोवा के लिए, ऐसा सुगंध सुगंधित हो, सुगंध सुखदायक सुगंध हो। होम बलि और ये सब जो है प्रभु के लिए जब वो बलि चढ़ाया करते थे, तो यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध होने के लिए प्रभु की आज्ञा थी। और अब लेकिन अभी हम पुराने नियम की बातों के पास ध्यान नहीं देखेंगे, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर को हम इन दिनों में मतलब जो है ये अनुग्रह का समय है, ये समय जो है वो नए नियम का समय है। प्रभु यीशु मसीह के जो है स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह हो गया है, स्वर्ग में चला गया है, उसके बाद का ये अंतिम समय है। और इस अंतिम समय में परमेश्वर विश्वासियों से, कलीसिया से क्या चाहता है कि हम क्या चढ़ाए, प्रभु क्या चाहता है कि हम चढ़ाए। तो सबसे पहली बात आज हम देखेंगे कि प्रभु क्या चाहता है, पता है कि प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि हम जो है अपना शरीर चढ़ाए, खुद को चढ़ाए। सबसे पहले प्रभु चाहता है कि शरीर चढ़ाए। बहुत बार हम अपने शरीर को चढ़ाते हैं फोन के लिए, बहुत बार हम शरीर को चढ़ाते हैं सोने के लिए, मतलब सोना तो जरूरी है लेकिन ज़्यादा जितना सोने का समय उससे ज़्यादा सोते हैं तो वो पाप है। और कोई भी चीज़ जो है ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो वो पाप है। तो हम जो है अपने शरीर के द्वारा जो पाप करते हैं वो पाप ना करें, बल्कि हमारे शरीरों को प्रभु के लिए चढ़ाएं। और वो कैसे चढ़ाएं हम पढ़ेंगे जो है रोमियो उसके 12 अध्याय का पहला वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। अभी ये वचन जो मैं पढ़ रहा हूँ नए नियम के पढ़ रहा हूँ, पुराने नियम में नहीं जा रहा हूँ मैं, नए नियम में। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर ये विनती करता हूँ। क्या विनती करता है प्रभु? कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों को पहली बार जीवित, दूसरी बार पवित्र और तीसरी बार परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो ये हमारी चार बातें यहाँ पे लिखी है कि हमारे शरीरों को प्रभु चाहता है। हमारे शरीर के दिनों में बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर के दिनों में जब थे तो वो पुकार पुकार के आंसू बहा बहा के प्रार्थना करता था, वो गांव गांव जाके प्रचार करता था। और यीशु ने अपना शरीर पवित्र रखा, पवित्र जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके प्रभु यीशु मसीह ने चढ़ाया। और ये उसकी आत्मिक क्या थी, जय सेवा थी। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम शरीर को जो है वह चढ़ाना है ना। बाइबल में लिखा है कि कैसे जो है उन लोगों ने अपने मन के अभिलाषा के अनुसार जो है उन्होंने गंदे काम किए, व्यभिचार किया और ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। पढ़े उस वचन को, रोमियो पहला अध्याय 24 वचन। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया,
कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। बाप रे, और बाइबल में लिखा है कि उन्होंने, परमेश्वर ने उन्हें मन के अनुसार, अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। यह हम देखते कि शरीर की अभिलाषा, वो शरीर की अभिलाषा के अनुसार वो चले गए और शरीर की अभिलाषा में वो पड़ गए प्रियो, और ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। और हम देखते कि कैसे वो जो है शरीर को उन्होंने, परमेश्वर ने उनके गलत कामों के लिए सौंप दिया। तो बहुत बार जो है हमारे शरीरों को पवित्र आत्मा कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि हम अपने शरीर के द्वारा गलत काम करते हैं, वे विचार करते हैं, चोरी करते हैं, और इसलिए प्रभु ने उनको क्या कर दिया, जो है अपने आपस में अपने शरीरों को अनादर करें, इसलिए प्रभु ने उनको छोड़ दिया, उनकी अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। बहुत सारे लोग जो अशुद्धता के लिए जी रहे हैं, अपने शरीरों को पवित्र करके, अपने शरीरों को चढ़ाओ, ऐसे बाइबल में लिखा है। बाइबल में लिखा है कि जब इन लोगों ने पाप किया, तो इन लोगों के पाप करने के कारण जो है हम देखते कि सारा धन जो है वो दूसरे राजाओं को मिलता था। और नहेम्याह 9 अध्याय के 37 वचन में लिखा है, इसकी उपज से उन राजाओं को जिन्हें तूने हमारे पापों के कारण हमारे ऊपर ठहराया है बहुत धन मिलता है, बहुत धन मिलता है रे प्रभु, और वे हमारे शरीरों और हमारे पशुओं पर अपनी अपनी इच्छा के अनुसार प्रभुता जताते हैं, इसलिए हम बड़े संकट में पड़े हैं। शैतान आता है तो वह हमारे शरीरों पर अपना अधिकार जताता है। शरीर को जो अच्छा लगेगा, अशुद्ध काम के लिए जो अच्छा लगेगा, वो शैतान हमारे द्वारा करवाता है। और कितनी गलत बात है जो है बाइबल में लिखा है, पहला अध्याय का 7वां वचन जो है, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर और जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराय शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। पराय शरीर के पीछे लगे थे, जो पति पत्नी है वो अपने पति पत्नी को प्यार नहीं कर रहे थे, वो पराय शरीर के पीछे लगे थे, ऐसे बाइबल बताती है। तो ऐसे पाप जो है प्रभु परमेश्वर उसकी बहुत घृणा करता है। ऐसे पाप, ऐसे लोग जो पराय स्त्री, पराय पुरुष के पीछे जाते हैं, परमेश्वर उनका बड़ा गुस्सा है। और उन सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नाश किया, क्योंकि वे पराय शरीर के पीछे लगे थे। शैतान शादी के बाद में भी लोगों को पाप में गिराता है, और वो पराय शरीरों के पीछे जाने के लिए जो है मजबूर करता है, जब आप शैतान के कामों में लग जाते हैं। और इसलिए सुबह सुबह प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक आदत लगाई है कि सुबह सुबह उठ के मैं अपने घुटनों पे जाके प्रार्थना करता हूँ, घुटनों पे मेरी प्रार्थना होती है। मैं अपने शरीर को प्रभु को समर्पित करता हूँ, मैं कहता हूँ प्रभु आज दिन भर कोई भी पाप मुझसे ना होने दे रहे प्रभु। ये लोग पराय शरीर के पीछे लगे, बाइबल में लिखा है कि कैसे। दूसरी बात, हालेलुया, और दूसरे अध्याय के 10वें वचन में वहाँ पे भी लिखा हुआ है, हालेलुया, दूसरा पत्रस, बल्कि हम यहाँ पे भी देखेंगे कि कैसे, हालेलुया, इस दुनिया में क्या है, इस दुनिया में क्या पता, क्या जो है जो कुछ इस संसार में है, बाइबल में लिखा है क्या है, 16 वचन, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वाव, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संसार में जो कुछ है प्रियो शरीर की अभिलाषा है, और ये शरीर की अभिलाषा लोगों को जो है अभिलाषा, बुरी अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। ये अभिलाषा, अगर आप उस अभिलाषा को, गंदी अभिलाषा को, मतलब गंदी इच्छा को अगर आप खाद पानी दे रहे हैं, YouTube के द्वारा, Facebook के द्वारा,
और गंदे गंदे कार्यक्रमों के द्वारा, सोशल मीडिया के गंदे का जो है वीडियोस के द्वारा अगर इसको आप खाद पानी दे रहे हो तो बहुत जल्दी ये गंदी अभिलाषा जो है गर्भवती होकर पाप को जन्म देगी और पाप की मजदूरी मौत है। तो ये दूसरी बात हमने देखी कि शरीर की पराये शरीर के पीछे लगे, शरीर की अभिलाषा के पीछे लगे। फिर हम दूसरा पत्रस दूसरे अध्याय के 10 वचन में लिखा है, निज करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हट्टी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। और यहाँ पे लिखा है कि जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं, अशुद्ध अभिलाषा, समझ जाओ आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ जो है अशुद्ध अभिलाषा है। और हम देखते कि आज ये सारी अशुद्ध अभिलाषाएं जब आप निकालेंगे तब हम प्रभु को अपने आप का हमारा शरीर पवित्र चढ़ा पाएंगे। अगर हम ये अशुद्ध अभिलाषा में जाएंगे तो प्रभु आपके शरीर को इस्तेमाल करने नहीं पाएगा, प्रभु आपको चंगाई नहीं दे पाएगा, प्रभु अपनी इच्छा आपके जीवन में पूरी करने नहीं पाएगा, प्रभु आप बच्चों की शादी नहीं हो पाएगी जल्दी, अगर होगी तो वह गलत व्यक्ति के साथ होगी, क्योंकि अभी तक आपने अपना शरीर जो है प्रभु के लिए पवित्र नहीं किया है। आपके लिए परमेश्वर की योजना कभी भी सफल नहीं होगी जब तक कि आप अपने शरीर को प्रभु के लिए समर्पित ना करें, प्रभु को समर्पित करें और अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण यज्ञ योग्य यज्ञ जो है वो करना है। हालेलुया, ये बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लिखा है कैसे शरीर की अभिलाषा, इफिसियों दूसरे अध्याय के जो है 3 वचन में लिखा है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। हाँ, क्रोध की संतान, मेरे अंदर तो बहुत क्रोध था, मैं तो इतना क्रोध करता था, बहुत क्रोध करता था, लेकिन प्रभु ने वो क्रोध को दूर कर दिया, प्रभु ने वो क्रोध को हटा दिया, ऐसी स्थिति में लाया, ऐसे जो है भट्टी में डाला कि जो है सारा क्रोध वो जो है वो हट जाता वो सब निकाल देता है प्रभु, परमेश्वर को जो है महिमा मिले। अब यहाँ पे हम देखते कि पहले हमने देखा कि पराया शरीर के पीछे लगे, शरीर की अभिलाषा के पीछे लगे, अशुद्ध अभिलाषा के पीछे लगे। अभी यहाँ पे हम देखें शरीर की लालसा, आज मुझे ये खाने की इच्छा हो रही है, आज मुझे सोते रहने की इच्छा हो रही है, ये लालसा, इन लालसाओं के पीछे। आजकल हम देखते कि सारा सब कुछ नरम नरम चाहिए शरीर को तो ये भी एक लालसा। और बाइबल में लिखा है कि शरीर के काम तो आपको प्रकट है, गलतियों 5:19 से लेकर अगर आप पढ़े, शरीर के काम तो प्रकट है अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्पन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। वाओ, शरीर के काम सारे बताए अभी, और ये इससे भी और भी बहुत सारे काम हैं, और ये शारीरिक काम अगर आप करते रहेंगे तो परमेश्वर के राज्य में आपका स्थान नहीं है, किसी का भी स्थान नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई भी बंदा हो। शरीर के काम प्रकट है और वो जो प्रकट काम जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, अपने शरीरों को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान जब तक चढ़ाएंगे नहीं, तब तक आपके जीवन में परमेश्वर का काम नहीं। तो शरीर के काम कौन से हैं, वो प्रकट है। और बाइबल में लिखा है कि हालेलुया, अब इन शरीर के कामों का उपाय ना करें क्या, इन शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय नहीं करना चाहिए। पढ़िए उस वचन को, हालेलुया। और जैसा दिन को 13 वचन, रोमियो 13:13, जैसा दिन को सोता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में,
और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ बहुत साफ साफ रीति से लिखा है कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, इसलिए उपवास है। इसलिए शरीर कमजोर हो जाता है और पवित्र आत्मा हमें ताकत देता ताकि हम और आत्मिक शक्ति में बढ़ सके। कितनी खुशी की बात है प्रियो। तो आज प्रभु कहता है कि तुम्हें क्या चढ़ाना है, आपको अपना शरीर चढ़ाना है और शरीर चढ़ा के ये सारी अभिलाषाएं पराए शरीर के पीछे जाने की इच्छा दूर करना है, शरीर के अभिलाषा दूर करना है, अशुद्ध अभिलाषा दूर करना है, शरीर की लालसा को रोकना है, शरीर के काम को जो है वो इच्छा पूरी करने के सारी जो है बातों को दूर करना है। बाप रे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने सुंदर सी बात। अब दूसरी बात देखते हैं कि क्या चढ़ाना है, अभी हमें क्या चढ़ाना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी बात हमें अपना जो है पैसा दशमांश चढ़ाना है। और बाइबल में लिखा है कि दशमांश, बहुत सारे लोग कहते हैं दशमांश जो है ये शब्द जो है नए नियम में नहीं है और इसलिए हम दशमांश नहीं देते, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो उसका आज उत्तर देखेंगे हम कि भाई दशमांश अगर ये शब्द नहीं है तो क्या दशमांश से हम कम दे सकते हैं, क्या कितना दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, इसके बारे में अगर आज हम देखेंगे तो। लेकिन बाइबल में लिखा है कि हम जब प्रभु को चढ़ाते हैं तो हमें जो है उत्तम बलिदान चढ़ाना चाहिए। क्या लिखा है जो है उस वचन में, इब्रानियों 11:4, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। बस यहाँ पे लिखा है कि विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। तो आज अगर आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो आपको बलिदान चढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। और जो है ये बलिदान कैसा चढ़ाना चाहिए, हालेलुया, बहुत ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण बात कि कैसे चढ़ाएं इस बलिदान को। प्रभु परमेश्वर का वचन बताता है कि हालेलुया, दूसरा कुरिन्थियों 9:6 वचन से लेकर, परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है काटेगा भी और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और बाइबल में लिखा है कि जो थोड़ा जो है बोता है वो थोड़ा काटेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा आशीष मिले तो आपको ज्यादा बोना है। कोलगेट नाम का जो है जो कंपनी है तो वो कह रहे हैं कि पहले वो दशमांश देने देते थे और प्रभु ने उनकी जो है कंपनी को बढ़ाया, फिर उसने 20% देना शुरू कर दिया, 30% देना शुरू कर दिया और ऐसा करते करते 98% तक जो है वो सिर्फ प्रभु के लिए देना शुरू कर दिया। सिर्फ 2% वो अपने लिए रखता था उसके मतलब प्रॉफिट से। और कितना, और वो विश्वासी है प्रभु का और वो देना शुरू कर दिया। उसने देने का महत्व जाना, उसने देने पर विश्वास किया और परमेश्वर ने आज कोलगेट तो सारे वर्ल्ड में पाया जाता है। तो उसी प्रकार हम सिर्फ यहाँ पे, हमको यहीं पे पृथ्वी पर ही हमें आशीष नहीं मिलेगी लेकिन स्वर्ग में भी आशीष मिलेगी। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, हालेलुया, ताकि जो है तुम्हारे पास, तुम्हें जो आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। तो कितनी खुशी की बात है। अब जो है जब हम देते हैं तो गुप्त रीति से दो, ऐसे बाइबल में लिखा है, पढ़िए उस वचन को, मत्ती 6:1। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बचवा जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में रह देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये एक सीक्रेट है कि प्रभु परमेश्वर को क्या करना है, जो गुप्त रीति से देना है और प्रभु परमेश्वर आशीष देता है। तो हम दशमांश देना है कि पूरी सैलरी देनी है, पढ़िए उस वचन को, हालेलुया, लुका 21:1।
फिर उसने आंखें उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें दो दमड़ियां डालते देखा और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, सारी जीविका डाली है। तो इसलिए जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा भी। तो इसलिए हमें दशवांश से ज्यादा देना है। बहुत सारे लोग कहते हैं दशवांश से ज्यादा देना है, ये कहाँ लिखा है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हालेलुया कहाँ लिखा है ये बताओ पास्टर आप, हालेलुया कि दशवांश से ज्यादा देना चाहिए। हालेलुया, बाइबल में लिखा हुआ है कि कैसे, हालेलुया बाइबल में लिखा हुआ है कि ये शास्त्री फरीसी ये लोग क्या करते थे, अपने पुदीना, अपना पैसा, अपना सौंफ, अपने जीरे का दशवांश प्रभु को देते थे। और इसलिए प्रभु उनको एक बार टोकता भी है। प्रभु कहता है, क्या कहता है, पढ़िए मत्ती 23:23 में, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। तो यहाँ पे लिखा है, कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने सौंफ और जीरे का दशवांश देते हो, परंतु तुमने जो है गंभीर बातों को तो छोड़ ही दिया है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब है, मतलब ये है, पुराने नियम में जो है ये शास्त्री फरूसी अपना पूरा दशवांश दे देते, अपने तनख्वाह का दशवांश और अपने सारी उपज का दशवांश तो देते ही देते थे, लेकिन पुदीना सौंफ और जीरे का भी दशवांश दे देते। और लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह अब नए नियम में आता है तो नए नियम के लिए कुछ एक नया नियम देता है वो, और वो क्या कहता है, पढ़िए उस वचन को, मत्ती 5:20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। मतलब क्या, मतलब शास्त्री फरीसी अगर दशवांश देते थे तो नए नियम के लोगों को दशवांश से ज्यादा देना है, क्योंकि मैं प्रभु कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। यहाँ पे साफ साफ रीति से लिखा है दशवांश से ज्यादा देना है, विश्वासी को दशवांश से ज्यादा देना है। बहुत सारे लोग जो है थोड़ा बहुत देके जो है काम निपटा लेते हैं, लेकिन ये परमेश्वर देखता है। परमेश्वर कहता है जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटेगा। और यहाँ पे लिखा है कि शास्त्री फरीसियों से ज्यादा बढ़कर, उनकी धार्मिकता से बढ़कर जब तक ना हो तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। मैं बाइबल का वचन पढ़ रहा हूँ, मैं कोई अपनी कहानियां नहीं बता रहा हूँ। तो इसलिए नए नियम में ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर शास्त्री फरूसी दशवांश देते हैं तो विश्वासियों को दशवांश से बढ़कर देते हैं। बल्कि हमारे चर्च में कुछ ऐसे भाई बहन हैं वो दशवांश से बढ़कर देते हैं। मैं नाम देना नहीं चाहता क्योंकि जो देता है वो दायना बायकत मालूम ना चले, लेकिन थैंक गॉड फॉर ऐसे लोगों के लिए। हालेलुया, वो दशवांश से बढ़कर देंगे, कुछ रुपए दशवांश से बढ़कर देंगे, क्योंकि उनको पता है। हालेलुया, कुछ लोग 15वां अंश देते हैं। हालेलुया, कुछ जो है 12वां अंश देते हैं। वो कहते हैं कि हम ज्यादा देना चाहते हैं, और इस वचन के अनुसार वो परमेश्वर का वचन पूरा कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात भी हो। तो क्या चढ़ाना है हमको, अपना दशवांश, और दशवांश से बढ़कर, क्योंकि हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। वाओ, क्या सुंदर वचन है। हालेलुया, ये वचन सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये वचन पास्टर प्रदीप गायकवाड़ के लिए भी है। पास्टर प्रदीप गायकवाड़ को भी अपने दशवांश से बढ़कर प्रभु की सेवा के लिए देना है। और ये वचन जो है संपूर्ण सृष्टि के विश्वासियों के लिए है कि उनको दशवांश से बढ़कर देना है। हालेलुया, ये प्रभु ने कहा हुआ, ये शब्द जो निकले हैं ना वो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकले हैं। तो प्रियो, कितना सुंदर वचन आज का प्रभु ने हमको दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु परमेश्वर कहता है कि कितने सुंदर, हालेलुया, बात प्रभु परमेश्वर हमारे साथ आज करना चाहता है। प्रभु कहता है कि
हालेलुया, क्या करना है? स्तुति। अभी तीसरी बात, हालेलुया, पहली बात अपना शरीर प्रभु के लिए चढ़ाओ, फिर अपना दशवांश, बल्कि दशवांश से बढ़कर प्रभु के लिए चढ़ाओ, और फिर अपने होठों का फल। क्या सुंदर वचन है आज का, होठों का फल प्रभु के लिए चढ़ाओ। क्या लिखा है, पढ़िए उस वचन को। फिर मेरे कहा इब्रानी हो, हालेलुया, उसके जो है जो है 13:15, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। आपको क्या चढ़ाना है? अपना शरीर, अपना दशवांश, और बल्कि दशवांश से ज्यादा, और तीसरी बात आपके मुंह की स्तुति। प्रेज द लॉर्ड। आपको जो है शैतान को गालियां नहीं चढ़ानी है आपको, ना ही आप निंदा बुराई अपने मुंह से आने देनी है, लेकिन प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद आपको चढ़ाना है। और बहुत सारे ऐसी बातें हैं स्तुति के लिए, तो मैंने आपको झूठ नहीं बोलूंगा 30 बातें निकाली थी मैंने, मेरे ख्याल से मैं पढ़ नहीं पाएंगे हम सारे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा है व्यवस्था विवरण और उसके 10:21 वचन में लिखा है, वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है। तो यहाँ पे लिखा है कि वही तुम्हारी स्तुति की योग्य है और वही तुम्हारा परमेश्वर है, यहाँ पे लिखा है। हालेलुया, 33 के पहले वचन में भजन संहिता, हे धर्मियों यहोवा के कारण जय जयकार करो क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करना सोहती है हर समय। 34 का पहला वचन, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर और हर समय, वाओ, हालेलुया। और फिर प्रभु का वचन बताता है 35:18 में, बड़ी सभा में, मैं बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद करूंगा बहुतेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। बड़ी सभा में और बहुतेरे लोगों के बीच में तेरी स्तुति करूंगा। स्तुति कैसी होगी? बहुत सारे लोग से स्तुति अपने मन में ही करते रहते हैं, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है 35:28 वचन में, तब मेरे मुंह से तेरे धर्म की चर्चा होगी और दिन भर तेरी स्तुति निकलेगी। हाँ, मेरे मुंह से, वाओ। और फिर बात में 40 और उसके जो है कौन से वचन में अगर आप पढ़े, हालेलुया, उसने मुझे गीत सिखाया, पढ़ी उस 40:3 में, और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है, बहुतेरे ये देख कर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। और यहाँ पे देखते हैं कि गीत के द्वारा स्तुति, फिर पृथ्वी की छोर तक स्तुति, 48 का मेरे ख्याल से पहले वचन या 10वें वचन में, हे परमेश्वर तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है, तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। यस, जय जयकार के साथ स्तुति। 63:5, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। वाओ, जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। 66:8 में लिखा है कि स्तुति में राग उठाओ, हे देश देश के लोगों हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। 69:30 में लिखा है कि जो है उसका गीत गाकर उसकी आराधना करो, और ये 34 में, स्वर्ग और पृथ्वी उसकी स्तुति करें और समुद्र अपने सब जीव जंतुओं समेत उसकी स्तुति करें। बाप रे, जो है स्तुति कौन करेंगे? स्वर्ग और पृथ्वी मिलके करें, तो आप और मैं क्यों ना करें, स्त्री और पुरुष क्यों ना करें। फिर हम देखे 71:6 में, नित्य स्तुति करना चाहिए, मैं गर्भ से निकलते ही तुझ से संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। फिर 74:21 वचन में, नाम की स्तुति, पिसे हुए जन को निरादर होकर लौटना ना पड़े, दीन दरिद्र लोग तेरे नाम की स्तुति करने पाए। और 111:10 वचन में लिखा है कि स्तुति सदा बनी रहेगी, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। 119:164 में लिखा है कि हे प्रभु मैं 7 तेरी स्तुति करता रहूंगा, तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 तेरी स्तुति करता हूँ। बाप रे, 7 स्तुति करता था वो बंदा। मुंह से स्तुति 119:171 में, मेरे मुंह से स्तुति निकला करे क्योंकि तू मुझे अपनी विधियां सिखाता है, प्रभु मुझे जिला ताकि मैं तेरी स्तुति कर सकूं। 119:175 में, मुझे जिला और मैं तेरी स्तुति करूंगा,
तेरे नियमों से मेरी सहायता हो। हे प्रभु तू भला है इसलिए मैं तेरी स्तुति करूंगा। 135 का 3। यहाँ की स्तुति करो क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ क्योंकि ये मन भाव है। और जो है नया गीत के साथ स्तुति करो। 144 का 9। हे परमेश्वर मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। 146 का जो है 2। जीवन भर तेरी स्तुति करूंगा, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। 147 का 1। मन भावनी है ये बात, यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि ये वह मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। हे दूतो यहोवा की स्तुति करो। 148 का 2। हे उसके सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो, सूर्य चंद्रमा और तारांगण उसकी स्तुति करे। 148 का 3। हे सूर्य चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो, केवल उसी का नाम महान है इसलिए स्तुति करो। 148 का 13। यहोवा के नाम की स्तुति करो क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। कैसे स्तुति करे। 149 का 3। नाचते हुए स्तुति करो, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और ढप और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं। 150 का 2। पराक्रम के कारण स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढप बजाते हुए नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, जितने प्राणी हैं सबके सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। बाप रे कैसे स्तुति करने के लिए बताया गया, उसके पराक्रम के कामों के कारण नरसिंगा फूंकते हुए, सारंगी वीणा बजाते हुए, डफ बजाते हुए, नाचते हुए, तार वाले बाजे बजाते हुए, बांसुरी के साथ ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए, और सारे प्राणी एक भी नहीं छूटना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए, आपके परिवार का एक भी नहीं छूटना चाहिए जो प्रभु की स्तुति ना करे। सब लोग हालेलुया प्रभु की स्तुति करो। और यशाया 38 की 18 में लिखा हुआ है, क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति करती कर सकती है, जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। इसलिए प्रभु ने हमको जिंदा रखा है, इसलिए प्रभु ने हमको जीवित रखा ताकि हम प्रभु की स्तुति करें। तो आज हम देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें चढ़ानी है। पहली बात चढ़ानी है हमारा शरीर, ये शरीर को प्रभु के सेवकाई के लिए 10 ट्रैक्स हर रोज बांटने हैं, घुटनों पे आके प्रार्थना करनी है। अरे भाई बिस्तर पे घुटने टेको, जिनको घुटने की प्रॉब्लम है उनको नहीं बोलूंगा, लेकिन घुटने टेक के प्रार्थना करो, अपना जीवन प्रभु के लिए दो। जब पास्टर कहते हैं कि जीवन नगर में आके सप्ताह में एक बार उपास प्रार्थना करके वहां पे आके आराधना करो, अपने 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 शरीर को लाओ प्रभु के भवन में। हमारे चर्चेस खुले हैं, हमें भीड़ नहीं करना है, लेकिन एक एक दो दो व्यक्ति तो आ ही सकते हैं। जब आपको छुट्टी है तब आप आइए, अपने शरीर को प्रभु के सामने झुकने दीजिए। हालेलुया। हाँ फोन लेके मत बैठिए, शरीर के द्वारा प्रभु की सेवा करनी है। और फिर बाद में हमने देखा दशवांश के द्वारा प्रभु की सेवा करनी है। हालेलुया। और फिर बाद में प्रस्तुति के द्वारा प्रभु की स्तुति करने दे। बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकते रे, प्रभु ना ही मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, जो कब्र में पड़े वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते, जीवित हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है। तो आज आपको जीवित क्यों रखा है, इस बात को आप प्रश्न चिन्ह करिए अपने सामने, और आप प्रभु की स्तुति करिए। आपको अपने आप को चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है, स्तुति चढ़ानी है। आपको क्या चढ़ाना है, अपने शरीर को चढ़ाना है। आपको क्या चढ़ाना है, अपना दशवांश चढ़ाना है, दशवांश से बढ़कर। वाव क्या सुंदर वचन है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह किसके द्वारा अपने स्तुति सिद्ध कराता है, पढ़िए उस वचन को। यीशु ने उनसे कहा, हाँ क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई। और हे लोगों शास्त्री फरीसियों, अगर ये लोग शांत रहेंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जगह कोई पत्थर चिल्लाए, कितनी जारी रखता है प्रभु अपनी कृपा, आपको पानी देता है, बिजली देता है, खाना देता है, आपको पैसा देता है। हम गाना भी गाते हैं, जारी रहे हमेशा,
जारी रहे हमेशा, ये इंतजाम तेरा, ये इंतजाम तेरा। आज के दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो कि आज आपको प्रभु ने जीवित रखा है। ये पुनरुत्थान का दिन है और आज 8 अगस्त में अगर आप प्रभु की आराधना नहीं कर रहे हैं, आज अगर आप 8 अगस्त को प्रभु की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और गाना नहीं गा रहे, स्तुति नहीं कर रहे हैं, अपने शरीरों को प्रभु के लिए जीवित पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य यज्ञ नहीं चढ़ाएंगे और आप अगर दशवां से बढ़कर नहीं देंगे, तो बाइबल में लिखा है कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। भैया मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो प्रभु के वचन पढ़े मैंने आज, ये वचन आजकल जैसे जैसे मैं पढ़ रहा जा रहा हूं, ये डोज थोड़ा स्ट्रांग होते जा रहा है। अगर जो है क्योंकि मैं ज्यादा समय प्रार्थना में और ज्यादा समय वचन में व्यतीत करता हूं और मैं खाना बनाता हूं जैसे मम्मी खाना बनाती है और सबको खिलाती है, वैसे मैं भी चर्च का एक पास्टर हूं, खाना बनाता हूं और परोस देता हूं मैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे। तो आप इस वचन को खाइए और आप आशीष पाएंगे। हमको क्या चढ़ाना है नए नियम में? अभी होम बलि चढ़ाना नहीं है, अभी जो है वो बकरे वगैरह चढ़ाना नहीं, खुद को चढ़ाना है, शरीर चढ़ाना है, दशवान से बढ़कर चढ़ाना है और स्तुति चढ़ानी है, स्तुति भेंट। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे आज। हालेलुया, इस वचन के लिए प्रभु की स्तुति करते हैं। आपको बहुत बड़ी बरकत प्रभु देगा। आज्ञाकारी बनिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करिए, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। आप कलवरी चर्च के लोगों, आप प्रभु के चुने हुए लोग हैं, आपके लिए बहुत बड़ी प्रेयर सपोर्ट है और आपके जीवन में आपके परिवार का कल्याण होने वाला है। जितने सारे दर्शक हैं उनके लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ हर रोज कि परमेश्वर आपको आशीषित करे और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी शांति लाए। आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के रविवार के दिन के लिए, इतना सुंदर दिन तूने हमको दिया और इतना सुंदर वचन तूने हमें दिया कि प्रभु हम अपने आप को चढ़ाना है, अपने शरीरों को जीवित पवित्र परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य यज्ञ के रूप में चढ़ाना है। प्रभु जी ये हमारी आत्मिक सेवा है प्रभु जी, और इसलिए प्रभु हमारे शरीरों को चढ़ाने के लिए सहायता कर, हमारे दशवांश को प्रभु जी, हम दशवांश की चोरी ना करें, तुम्हारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे। बहुतों के फल कच्चे इसलिए गिर रहे प्रभु जी क्योंकि वो अपना पूरा दशवांश नहीं दे रहे प्रभु जी। प्रभु तू कहता है कि हालेलुया, तुम कहते हैं कि किस बातों में तुमने जो है लूटा है। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर को लूटते हैं दशवांशों में और उठाने वाली भेंटों में। हालेलुया, तुम्हारी उठाने वाली भेंटें और दशवांश तुम नहीं चढ़ाते हैं और इस बात में तुमने परमेश्वर को लूटा है। ये वचन तेरा प्रभु भला की में लिखा है। प्रभु परमेश्वर हमारे हर एक कलवरी कलिसे के सदस्य की सहायता कर ताकि परमेश्वर अपना पूरा दशवांश तुझको चढ़ा सके प्रभु जी, और तेरी महिमा कर सके प्रभु जी, और तेरी आज्ञा का पालन कर सके प्रभु, बल्कि दशवांश से बढ़कर। हालेलुया, तूने आज हमें बताया प्रभु जी। और दूसरी बात प्रभु, हमें लगातार स्तुति भेंट चढ़ाने के लिए सहायता कर, हमारे बच्चे सुबह सुबह उठ के स्तुति करें प्रभु जी और तेरी आराधना करें प्रभु जी। हालेलुया, होठों का फल हमें चढ़ाए प्रभु जी। बहुत सारे लोग जो है सिर्फ होठों का ही फल चढ़ाते हैं प्रभु, दशवांश नहीं चढ़ाते, उनको दशवांश देने के लिए भी सहायता कर। बहुत कंजूस जो है आत्मा उनके जीवन में लगी है प्रभु जी। हो प्रभु जी हालेलुया, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, ऐसा ना हो प्रभु जी, लेकिन तेरे लिए हम बड़े उदार दिल के होके हम तुझे दशवांश चढ़ाने वाले बने प्रभु, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और धन्यवाद जो विश्वासियों की रीति से लोग दे रहे हैं प्रभु जी कैलवरी मिनिस्ट्रीज में प्रभु जी, उनको बड़ी बरकत दे, उनको बड़ी आशीष दे पिता परमेश्वर। जो जो कैलवरी चर्च में बोते हैं उनको तू बहुत ज्यादा आशीषित करता है प्रभु जी, सारे उनकी गरीबी का श्राप में दूर कर देता हूं। हालेलुया, उनके सारे बंधन में तोड़ देता हूं प्रभु जी। ये तीनों चीजें प्रभु तुझे चढ़ाने के लिए इस नए नियम में हर एक विश्वासी को चढ़ाने के लिए सहायता कर। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता, आमेन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के लोगों के साथ, सारे दर्शकों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह अनंत तक बनी रहे, आमेन आमेन। प्रियो ये रविवार का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन है, विजय का दिन है। आप जो सेलिब्रेट करिए, घर में भरपूर देर प्रार्थना करिए और शेयर करिए इस वचन को। और हाँ,
आज के 10 ट्रैक्स बांटना जो है भूलना नहीं। प्रभु परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आज शाम को 4 बजे फिर से, 4 बजे के आसपास जब भी समय मिलेगा, हालेलुया, मैं फिर से लाइव होऊंगा फेसबुक के ऊपर। प्रभु आपको आशीषित करे। शालोम, शालोम, शालोम।